Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम. Shalom, peace to all. हर एक को शांति मिले. God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे. Just close your eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें. Bow all ourselves before the mighty one. और जो सर्व सामर्थी है उसके सामने आइए अपने आप को झुकाएं. Humble ourselves. अपने आप को नम्र करें. Seek his face. उसके मुख को ढूंढें. As his word say, man shall not live alone by ब्रेड. जैसा उसका वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा. By the word that God speak. लेकिन परमेश्वर जो बोलता है उस वचन से जिएगा. We are your father sitting in your presence. पिता हम यहाँ आपकी उपस्थिति में बैठे हैं. We want to listen your voice. हम आपका आवाज सुनना चाहते हैं. We want to know what is in your heart. आपके हृदय में क्या है हम वो जानना चाहते हैं. We want to find out the truth. हम सत्य को ढूंढ निकालना चाहते हैं. We want to be with you more. हम आपके और करीब रहना चाहते हैं. Holy Spirit come. पवित्र आत्मा आओ. We believe you. हम आप में विश्वास करते हैं. As we are studying your word. जब हम आपके वचन का अभ्यास कर रहे हैं. Talk with us. हमारे साथ बात करो. Bless each one who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक को आशीष दो. Father, we pray. पिता हम प्रार्थना करते हैं. If there is sin, forgive us. यदि कोई पाप है तो हमें माफ करो. हम we humble ourselves. हम अपने आप को नम्र करते हैं. By faith we are sitting in your presence. विश्वास से हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं. Father, I pray for each one. पिता मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ. Who are joined, bless them. जो लोग जुड़े हुए हैं उनको आशीष दो. With peace. शांति का आशीर्वाद मिले. चंगाई का आशीर्वाद मिले. जॉय. आनंद का आशीर्वाद मिले. Let them be filled with Holy Spirit. और वे पवित्र आत्मा से भर जाए. In Jesus name. यीशु के नाम में. आमेन. आमेन. हालेलुया. यहोवा का महिमा हो. Bible, as Bible says that God raises the proud. जैसे बाइबल कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है. James 5:4-6 and First Peter 5:5. याकूब का पत्र पांचवा अध्याय छठा वचन और पहला पत्रस पांचवा अध्याय पांचवा वचन. It says God is against the proud people. Okay. यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अभिमानी लोगों के विरोध में है. यस. वर्स 6. 4. जेम्स 4. याकूब का पत्र चौथा अध्याय छठा वचन. यस. गॉड रेजिस्ट द प्राउड. कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है. इट मींस ही बैटल विद दोस हु आर प्राउड. उसका अर्थ ऐसा है कि जो लोग अभिमानी है उनके सामने परमेश्वर लड़ता है. गॉड इज अगेंस्ट दोस पीपल हु हैव सम प्राउड और प्राइड नेचर. जो लोग अभिमानी है या जिनके स्वभाव में कोई अभिमान है ऐसे लोगों के विरोध में परमेश्वर है. यशा 2:12 says, यशा की किताब दूसरा अध्याय 12 वचन कहता है, There shall be one day of Jehovah of host upon everything proud and lofty. क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दनों वालों पर आएगा. And upon everything that lifted up and it shall be brought low. और उन्नति से फूलने वालों पर भी वह दिन आएगा और वे झुकाए जाएंगे. So one day he will bring all down. तो एक दिन हर एक को वह झुकाएगा. When time we lift our heart. बहुत बार हम हमारे हृदय को ऊंचा करते हैं. We exalt ourselves. हम अपने आप को ऊंचा उठाते हैं. We want people praise us. हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें. Jesus said the same thing in Luke 18 and verse 14. यीशु ने भी वही बात कही लुका का सुसमाचार 18वां अध्याय 14वें वचन. Everyone who exalt himself shall be abased. जो कोई भी अपने आप को ऊंचा उठाता है उसे नीचा किया जाएगा. So we should find out that are we boasting of anything or not. तो हमें यह ढूंढ निकालना चाहिए कि हम क्या कोई बातों में अभिमान कर रहे हैं या नहीं. Jeremiah 48:29 says. यर्मिया की किताब 48वां अध्याय 29वां वचन कहता है, Oh people, look the Moab destruction. You will fear if you see Moab destruction. ये लोगों मोआब के विनाश को देखो. अगर उसको देखोगे तो तुम डर जाओगे. For it is set as a example for you. क्योंकि वह तुम्हारे लिए एक दृष्टांत उदाहरण के लिए रखा गया है. So that you too don't exalt yourself. ताकि तुम भी अपने आप को ऊंचा ना उठाओ. There are 7 things people boast about the thing. ऐसी 7 बातें हैं जिसके बारे में लोग अभिमान करते हैं. If there is much money. यदि ज्यादा पैसा होता है. Because of richness, people boast. ज्यादा धनिकता की वजह से लोग अभिमान करते हैं. When you come to Lord, God bless you.
जब आप प्रभु के पास आते हो तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद देता है। Whatever you work hard, God bless it. और आप जो कोई भी कठिन परिश्रम करते हो उसमें परमेश्वर आपको आशीर्वाद देता है। Paul says in 1 Timothy 6:17. पौलुस कहता है पहले तिमोथी का पत्र 6:17 वचन में, ओ तिमोथी चार्ज द पीपल यू आर हैविंग और द चर्च, charge them or give them commandment. ये तिमोथी जो कलीसिया के ऊपर तू रखवाला है वह सबको तू संभाल, उनको सिखा. Talk to these rich people in this world. और इस संसार के धनवानों को तू आज्ञा दे. That they be not high minded. कि वे अभिमानी ना हो. Nor trust in uncertain riches. और चंचल धन पर आशा न रखे. But they trust in the living God. परंतु जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखे. Who give riches, rich, who give us richly all thing to enjoy. जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से हमें देता है. So when God give blessing, तो जब परमेश्वर आशीर्वाद देता है. And if you are full of wealth, और आप संपत्ति से भरपूर हो जाते हो. We should not be high-minded or we should not exalt ourselves. तब हमें अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना चाहिए और अभिमान नहीं करना चाहिए. In Jeremiah 9:23, God said that who are rich, they should not boast in their richness, for one day it will be flee. यर्मिया की किताब 9:23 वचन में कहा है कि जो धनवान है वे अपने धन पर घमंड ना करे क्योंकि एक दिन सब उड़ जाएगा. So who boast? तो अभिमान कौन करता है? Those who are rich. जो धनवान होते हैं वे. And we should know that Proverbs 23:5 as it says. और हमें यह भी जानना चाहिए नीति वचन की किताब 23:5 ऐसा कहता है. When you look your richness or your money, जब आप आपकी संपत्ति को या पैसा को देखते हो, remember it shall disappear one day. तो वह देखते टाइम समय याद रखो कि एक दिन वह सब कुछ उड़ जाएगा, चला जाएगा. For it makes wings for itself and fly like an eagle to the sky. क्योंकि वह उका पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है. So if your money, तो यदि आपके पास पैसा है, it will fly away. तो वह उड़ जाएगा. So we should not boast in money. तो हमें पैसा के लिए पैसा में अभिमान नहीं करना चाहिए. We should not boast about beauty. और हमें सुंदरता में, हमारी सुंदरता में अभिमान नहीं करना चाहिए. God has blessed us with beauty. यदि परमेश्वर ने हमें सुंदरता दी है, speak not. तो बोलो मत. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. Once you boast, एक बार यदि आप अभिमान कर लो, because of your beauty, आपकी सुंदरता की वजह से यदि अभिमान करो, it will fade away like flower. तो फिर फूल की नाई वह सुंदरता टल जाएगी. So if your money, it bring proud or pride. तो यदि आपके पास पैसा होता है तो उससे आपका स्वभाव अभिमानी बन जाता है. If your beauty, it have proud, it brings proud. यदि आप सुंदर हो तो उससे भी आपको अभिमान आता है. Jeremiah 28:17 says, यहाजकेल की किताब 28:17 वचन कहता है, O king, your heart was lifted up because of your beauty. कि हे राजा, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था. And so I will cast you to the ground. इसलिए मैं तुझे भूमि तक गिरा दूंगा. In Isaiah 28:1 says, यशा की किताब 28:1 पहला वचन कहता है, Whose glorious beauty is fading like fading flower. उनकी भड़कीली सुंदरता मुरझाने वाले फूल की तरह अदृश्य हो जाती है. So if there is beauty, it will vanish. Remember. तो यदि सुंदरता है तो वह अदृश्य हो जाएगी, याद रखो. So we should not boast in beauty. तो हमें सुंदरता में अभिमान नहीं करना चाहिए. People don't know, they boast for blessing. लोग नहीं जानते कि आशीर्वाद मिलते हैं तो उसके लिए भी लोग अभिमान करते हैं. God said, I will bless you. परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा. Deuteronomy 8:13-14. व्यवस्था विवरण की किताब 8:13-14. As Bible say, blessing comes from God. जैसे बाइबल कहता है कि आशीर्वाद परमेश्वर की ओर से आता है. And because of his grace, we become donkey. और उसके अनुग्रह की वजह से हम गधे बनते हैं. We donkey also become mighty. और हम गधे भी फिर सामर्थी बन जाते हैं. पहलवान. गधा भी पहलवान बन जाता है. If God give us grace, यदि परमेश्वर अनुग्रह करे तो. Verse 13 says, 13वां वचन कहता है, And when your herds and flocks grow large,
और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, and your silver and gold increase if it, you see them increasing, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़े तू उसे देखे, and all you are having is been multiplied, तेरा जो कुछ भी है सब कुछ बढ़ता जाए ऐसा तू देखे, then be aware, lest thine heart grows, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए ऐसा ना हो, and you forget your God, और तू अपने परमेश्वर को भूल जाए, the God who brought you out from the land of Egypt, या परमेश्वर जो तुझे मिस्र से निकाल लाया उसे भूल जाए ऐसा ना हो, so when blessing come, तो जब आशीष आती है, you forget God, आप परमेश्वर को भूल जाते हो, and you say who is God, और फिर आप कहने लगते हो परमेश्वर कौन है, God is the one who has blessed you, परमेश्वर ही है जिसने आपको आशीर्वाद दिए है, so because of blessing people are become proud, तो आशीर्वादों की वजह से भी लोग अभिमानी बनते हैं, they speak in, they are proud, they are proud because of having blessing, आशीर्वाद होने की वजह से लोग अभिमानी बन जाते हैं, because of beauty people become proud, सुंदरता की वजह से भी लोग अभिमानी बनते हैं, because of money people become proud, और पैसा की वजह से लोग अभिमानी बनते हैं, one more thing, और आगे एक बात, when you are success you are succeed in each thing, जब तू हर कोई बात में सफल हो जाए, you have victory over everything, और सब बातों पर जब तू विजय पाए, you know Uzziah the king, he became strong and once his heart was lifted, हम उज्जिया राजा को जानते हैं कि वह बहुत शक्तिशाली बना और उसके हृदय में उसने अपने हृदय को ऊंचा किया, Second Chronicles 26 and verse 15 says, दूसरे इतिहास की किताब 26वां अध्याय 15वां वचन कहता है, In Jerusalem this Uzziah made many various kind of machines which he placed in the tower and at the corner of the walls, यरूशलेम में उज्जिया राजा ने गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा, and his name spread around abroad, और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, and God marvelously helped even this person, और परमेश्वर ने भी उसे अद्भुत सहायता की, and this Uzziah became strong, और यह उज्जिया राजा सामर्थी बन गया, verse 16 says, 16वां वचन कहता है, when he became strong, परंतु जब उज्जिया सामर्थी हो गया, he was uplifted in his heart, तब उसका मन फूल उठा, and so he was run, और उसने वह बिगड़ गया, because he was a king, he forgot that he was king, और वह राजा था वह भूल गया, and he behaved as a priest, और उसने याजक के जैसा बर्ताव किया, he went in the temple to sacrifice on the altar, और वेदी पर बलिदान देने के लिए वह मंदिर में घुस गया, so when you are succeed in your or you achieve anything, तो जब आप सफल होते हो या कुछ प्राप्त करते हो, you are a successful person, और आप सफल पुरुष व्यक्ति बन जाते हो, then you forget that who you are, तब आप भूल जाते हो कि आप कौन हो, Bible says in Zechariah in Ezekiel 28 and verse 5, बाइबल कहता है यहजकेल की किताब 28वां अध्याय 5वां वचन, By your great skill in trading, you have increased your wealth. तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा, But your heart was grown proud because of that. और धन के कारण तेरा मन फूल उठा, So when you achieve something, तो जब आप कुछ प्राप्त करते हो, Then you lose God presence, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हो, And you cast out from God presence, और परमेश्वर की उपस्थिति से आपको निकाल दिया जाता है, So God give you power even, तो परमेश्वर आपको सामर्थ भी देता है, God give you wisdom even, परमेश्वर आपको ज्ञान भी देता है, knowledge even, और परमेश्वर आपको बुद्धि भी देता है, Jeremiah 9:23 says, Let no man glory in his wisdom. यर्मिया की किताब 9वां अध्याय 23वां वचन कहता है कि कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे. If you are a wise man, don't boast thing. यदि आप बुद्धिमान व्यक्ति हो तो अभिमान मत करो. As if you know everything, don't speak out. जैसे कि आप सब कुछ जानते हो ऐसे मत बोला करो. Knowing things, it is a knowledge.
कुछ बातों को जानना यह ज्ञान है. फर्स्ट कुरिन्थी 8:1 सेज, पहले कुरिन्थी का पत्र 8वां अध्याय पहला वचन कहता है, देन यू आर फुल ऑफ नॉलेज, इट विल मेक, इफ इट विल मेक मैन स्वेल और यू विल बी पफ ऑफ. जब कोई ज्ञान से भर जाता है तो उससे व्यक्ति फूल जाता है, फूल उठता है. इंग्लिश मैन स्वेल, उसको जैसे सूजन आ गई हो वैसे फूल जाता है. सो नॉलेज ब्रिंग यू पफ अप. यस, तो ज्ञान, फर्स्ट कुरिन्थी 8:1, तो ज्ञान से इंसान फूल जाता है, वह घमंडी हो जाता है. ब्यूटी आल्सो पफ अप, मेक यू पफ अप. सुंदरता भी आपको फुला देती है. You achieve many things that will also puff up. और आप बहुत सा कुछ बातों को प्राप्त कर लेते हो, उससे भी आप फूल जाते हो. And if there is riches, that also make you proud. और यदि आपको संपत्ति मिलती है तो उससे भी आप अभिमानी बन जाते हो. Fifth thing, पांचवी बात, when you are a mighty person, you become a mighty one. जब आप शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हो. So Jeremiah, in Jeremiah 9:23, Lord said that you should not boast in your strength, in your power. इसलिए यर्मिया की किताब 9:23 वचन में प्रभु कहता है कि कोई अपनी शक्ति पर, अपनी वीरता पर घमंड ना करे. सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ पीपल कैन बोस्ट, तो सामर्थ्य की वजह से भी लोग अभिमान कर सकते हैं. वी नो टाइम इज गोइंग टू कम व्हेन एंटीक्राइस्ट विल एंटर इन द वर्ल्ड. हम जानते हैं कि ऐसा समय आएगा जब मसीह विरोधी इस संसार में आएगा. एंड ही इज कॉल्ड बीस्ट, और उसे पशु कहा गया है. शैतान इज कॉल्ड ड्रैगन, और शैतान को अजगर कहा गया है. इन रेवलेशन 13 चैप्टर वर्स 4, प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय 4वां वचन, द ड्रैगन द शैतान ही गेव पावर टू द बीस्ट एंटीक्राइस्ट. अजगर ने उस पशु को, मसीह विरोधी को सामर्थ दिया. दिस ड्रैगन आल्सो केम टू जीसस क्राइस्ट एंड सेड आई विल गिव यू एवरीथिंग. और यह अजगर भी यीशु मसीह के पास आया था और कहा था मैं तुझे सब कुछ दूंगा. नाउ He's giving authority to this beast. और अब यह अजगर इस पशु को अधिकार दे रहा है. And so all are going to bow before the beast. इसलिए हर कोई इस पशु के सामने झुकेगा. And all are people going to shout that you are great, great, oh beast. और हर कोई चिल्ला कर कहेगा कि हे पशु, तू महान है, तू महान है. तो एंटीक्राइस्ट पीपल आर गोइंग टू गिव प्रेज. मसीह विरोधी को लोग प्रशंसा देंगे. And they will say, Who can compare with this beast? और लोग कहेंगे कि इस पशु के साथ किसकी तुलना हो सकती है? And when fight, who can fight with this mighty beast? और यह शक्तिशाली पशु के सामने कौन लड़ सकता है? And the beast was also given mouth that he started boasting about himself. और वह पशु को भी मुंह दिया गया कि उसने अपने आप के लिए बड़े बड़े शब्द बोलने का शुरू किया, अभिमान करना शुरू किया. So when you are in authority or power, तो जब आप सामर्थ्य होते हो या अधिकार में होते हो, and someone praise you, और कोई आपकी प्रशंसा करे, then you also start praising yourself, तो आप भी अपने आप की प्रशंसा करने लगते हो. But one day we know God is going to capture this beast and they for false prophet and they are going to be thrown in the fire. लेकिन हम जानते हैं कि एक दिन परमेश्वर इस पशु को और झूठे भविष्यवक्ता को पकड़ेगा और दोनों को उस आग में डालेगा. That says in Revelation 19 chapter verse 20. यह लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय 20वें वचन. So if you have received power or authority, तो यदि आपने सामर्थ्य पाया है, अधिकार पाया है, then you are proud. It brings proud. तो उससे अभिमान आ सकता है, आप अभिमानी बन सकते हो. And God will judge you. और परमेश्वर फिर आपका न्याय करेगा. Sixth thing. छठी बात. If you are a charity worker. यदि आप समाज सेवा के काम करने वाले व्यक्ति हो. If you are healing people. यदि आप लोगों को चंगाई देते हो. If you are feeding people. यदि आप लोगों को खिलाते हो. Then this all work, if you are doing, it will make you proud. तो ये सारे काम जो आप कर रहे हो उससे वह काम आपको अभिमानी बना देंगे. Paul says, salvation doesn't come because of your good work. पौलुस कहता है कि आपके अच्छे कामों की वजह से उद्धार नहीं आता. In Ephesians 2:9 says, एफेसी का पत्र 2:9 नवा वचन कहता है, Not of work, lest any man should boast. और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. So Paul says, God don't want that you should boast.
तो पौलुस कहता है परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अभिमान करो. So if you do some religious work, तो यदि आप कोई धार्मिक काम करो, you can be proud of that work. तो उस कामों की वजह से आप अभिमानी बन सकते हो. Two people went to prayer. दो लोग प्रार्थना करने के लिए गए. And stood before God. और दोनों परमेश्वर के सामने खड़े रहे. And one said, the Pharisee, he said, praying, oh God, I thank you for I'm not like this man. और एक फारसी था, उसने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ ताकि मैं इस दूसरे व्यक्ति के जैसा नहीं हूँ. I am not thief. मैं चोर नहीं. I am not adulterer. और मैं व्यभिचारी नहीं. And also I am not like this tax collector. और मैं यह कर लेने वाले के जैसा भी नहीं. You know God, I fast twice in a week. और परमेश्वर तू जानता है कि मैं हफ्ते में दो बार उपवास करता हूँ. And God, I give tenth of all that I possess. और मेरा जो कुछ भी है वह सबका दशमांश भी मैं तुझे देता हूँ परमेश्वर. So when you do much good work, तो जब आप बहुत सारे अच्छे काम करने लगो, you start speaking of your good work. तो फिर आप अपने अच्छे कामों के बारे में बोलना शुरू कर देते हो. And this proud bring you down. और यह अभिमान फिर आपको नीचे गिराता है. So Lord taught one rule. तो प्रभु ने एक नियम सिखाया. Verse 14 says. 14 वचन कहता है. Every man who exalt, who will try to exalt himself. लुका का सुसमाचार 18वां अध्याय 14 वचन. जो कोई भी मनुष्य अपने आप को ऊंचा करना चाहेगा, he shall be abased. उसे नीचा किया जाएगा. Who humble himself, और जो अपने आप को नीचा करे, God will raise him. परमेश्वर उसे ऊंचा उठाएगा. So Jesus said in Matthew 6:2, when you are giving to needy people, तो offering or you are giving alms, तो यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 2 वचन में कि जब आप कोई जरूरतमंद को कुछ देते हो या गरीबों को कुछ देते हो, दान धर्म करते then हो, you should not praise with your mouth. तो फिर आपको अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए. Do not sound a trumpet before you. और अपने Do not announce before the people. लोगों के सामने उसके लिए तुरही मत फूको. I did this thing. मैंने ऐसा किया कर दिया. And Jesus said. और यीशु ने कहा. These are the hypocrites people. यह सारे लोग तो डोंगी लोग हैं. You can find them in street. ऐसे डोंगी लोगों को आप चौटे में देख चौराहे में देख सकते हो. And they want that people honor them. और ऐसे लोग ऐसा चाहते हैं कि दूसरे लोग उनको सम्मान दे. When someone doesn't honor you, जब कोई आपको आदर ना दे, then you are a blessed person. तो फिर आप आशीर्वादित व्यक्ति हो. You are going up and up. आप ऊपर ऊपर और ऊपर ही जाते But हो. Once you start speaking about yourself, लेकिन जब आप अपने बारे में एक बार बोलना शुरू कर देते हो, you stop raising up. तो फिर आप ऊंचे उठने से वहां ही रुक जाते हो. And you start coming down. और फिर आप नीचे गिरना शुरू करते हो. So because of good work you will boast. तो अच्छे कामों की वजह से आप अभिमान करोगे. Do good work but don't boast. अच्छे काम करो लेकिन अभिमान मत करो. Seventh thing. सातवीं बात. Why people boast? लोग अभिमान क्यों करते हैं? If you get revelation of enemy of any mystery, यदि आपको कोई मर्म के बारे में प्रकाश मिले, ज्ञान मिले, you think that I know and no another person knows, और आप सोचो कि केवल मुझे ही पता है, दूसरे किसी को नहीं पता, because of spiritual gift you can boast, आत्मिक वरदानों की वजह से आप अभिमान कर सकते हो, and that will bring you to down, और वह बात आपको नीचे गिराएगी. Matthew 7:22 people came, Jesus said, at last time people will come to me. मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय 22 वचन. यीशु ने कहा अंतिम दिनों में लोग मेरे पास आएंगे. They will call and they will say, Lord, Lord, have I not prophesied in your name? Have I not cast out demon in your name? And didn't I did any miracle work in your name? लोग आकर कहेंगे कि हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? So the work you do for Lord, तो जो काम आप प्रभु के लिए करते हो, that also bring proud. उस कामों से भी अभिमान आ सकता है. 1 Timothy 3:6, Paul he won a new teacher in the church. पहले तिमोथी का पत्र 3 अध्याय 6 वचन में पौलुस नए शिक्षक को भी चेतावनी देता है. He says, पौलुस कहता है, the
टीचर और द लीडर हु हैज अपॉइंटेड इन द चर्च, कि जो आगेवान हो या जो शिक्षक हो जिसको कलीसिया में नियुक्त किया गया हो, ही शुड नॉट बी रीसेंट कन्वर्ट, वह नया चेला ना हो. Just 2-3 years he has been passed, he has been reading Bible and he is coming in ministry. 2-3 years से वह बाइबल पढ़ रहा है और सेवकाई में आ जाता है, ऐसा नहीं. For it might he may exalt himself. ऐसा ना हो कि अभिमान कर वह अभिमान करे. Or if he exalt himself that look in just 2 years I have started ministry. और यदि वह अभिमान करे कि देखो 2 ही साल में मैंने सेवकाई शुरू कर दी. Then he will fall as Satan. As under the same condemnation as the devil. तो फिर वह व्यक्ति शैतान के जैसे ही गिर जाएगा और शैतान का सा दंड पाएगा. So who exalt himself or who boast or who are proud? तो जो कोई अभिमान करता है, अपने आप को ऊंचा उठाता है या अभिमानी है. You don't know, I know everything. तू नहीं जानता, मुझे सब कुछ पता है. I have authority, you don't have authority. मेरे पास अधिकार है, तेरे पास अधिकार नहीं. I'm better looking than you. और मैं तुझसे ज्यादा बेहतर दिखता हूँ. And I have more money than you. और तेरे से ज्यादा मेरे पास पैसा है. And I have more strength than you. और तेरे से ज्यादा ताकत मेरे पास है. So whatever you start speaking, you will come to abyss. तो जो कुछ भी आप बोलना शुरू कर दोगे वह सारी बातों में आपको नीचा किया जाएगा. Paul says in 2 Corinthians 10 and 8, God has given authority and we understand God has given us why he gave us the authority. दूसरा कुरंथी का पत्र 10वां अध्याय 8वां वचन पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और हम समझते हैं कि परमेश्वर ने अधिकार क्यों दिया है. We should not boast for that thing. उस बात के लिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए. God has given us this authority to equip you or to edify you. प्रभु ने हमें यह अधिकार दिया है आपको मजबूत बनाने के लिए, आपकी उन्नति करने के लिए. Not to destroy you. तुम्हारा नाश करने के Not लिए to नहीं. Harm you. आपका नुकसान करने के Not लिए to compare नहीं. With you. और आपके साथ तुलना करने के लिए नहीं. So I am ashamed to boast. तो मैं अभिमान करने के लिए लज्जित होता हूँ, ऐसा पौलुस कहता है. What happened if anyone boast in beauty, in richness, in power, or in spiritual thing, or in good work, or in knowledge? जब कोई व्यक्ति पैसा में, संपत्ति में, सुंदरता में, ज्ञान में या शक्ति में या अच्छे कामों में जब अभिमान करता है तो फिर क्या होता है? What exactly happened? तो फिर सच में उसके साथ क्या होता है? दस बातें मैं बताऊंगी कि उसके साथ क्या होता है. मैं बताऊंगा कि उसके साथ क्या होता है. When you compare with people, जब आप लोगों के साथ तुलना करते हो, you open your mouth. और तब आप आपका मुंह खोलते हो. And when you open your mouth, और जब आपका मुंह आप खोलते हो, your all blessing come to curse. तो आपके सारे आशीर्वाद श्रापित हो जाते हैं. 2 Corinthians 12 and verse 1 says, दूसरे कुरंथी का पत्र उसका 12वां अध्याय 1वां वचन कहता है. Paul says, पौलुस कहता है, Now let me start speaking about my lesson. कि अब मैं मेरे दर्शनों और प्रकाशों के बारे में चर्चा करने लगूंगा. So he started to speak about what he got revelation. तो पौलुस ने जो प्रकाश पाया उसके बारे में उसने बोलना शुरू किया. He wanted to speak because people didn't know that Paul is been blessed with revelation. पौलुस इसीलिए बोलना चाहता था कि क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि पौलुस को यह सारा ज्ञान प्रकाश मिला है. So he started speaking thing. इसीलिए पौलुस ने सारी बातें बोलना शुरू किया. We know Job he didn't sin with his mouth. हम जानते हैं कि अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया. He was blessed. In whole that country, पूरे देश में अय्यूब आशीषित था. He was blessed with all blessing. और सारे आशीर्वाद अय्यूब को मिले थे. And there was God was taking care of his money. और अय्यूब की संपत्ति का ध्यान परमेश्वर रखता था. And he was multiplied in that country. और उस देश में अय्यूब बढ़ता गया. But when he lost everything, लेकिन जब अय्यूब ने सब कुछ गवा दिया, still he didn't sin with his mouth. फिर भी अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया. But we know, लेकिन हम जानते हैं, he was a righteous person. वह धर्मी व्यक्ति था. And his wife said,
और उसकी पत्नी ने कहा दैट यू आर अ ऑनेस्ट पर्सन, कि तू प्रामाणिक व्यक्ति है. एंड ही सेड यस आई एम अ ऑनेस्ट पर्सन. और अय्यूब ने कहा हाँ मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ. बट स्टिल व्हाई ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग टू मी, लेकिन फिर भी अब तक मेरे साथ ये सारी बातें क्यों हो रही है. एंड इन द थर्ड चैप्टर ही ओपन्ड हिज माउथ एंड गेव कर्स, और तीसरे अध्याय में उसने अपना मुंह खोला और श्राप दिया. सेकंड कुरिन्थी 11:16 सेज, दूसरे कुरिन्थी का पत्र 11वां अध्याय 16वां वचन कहता है, पॉल सेज आई बिकम फुलिश पर्सन, पौलुस कहता है कि मैं मूर्ख बना. बिकॉज़ आई डोंट वांट टू साइन मायसेल्फ, आई डोंट वांट आई बिकॉज़ आई ट्राई टू साइन मायसेल्फ, क्योंकि मैंने अपने आप की बढ़ाई करने की कोशिश की. बिकॉज़ यू शुड प्रेज मी, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रशंसा करो इसीलिए. But you didn't praise me. लेकिन तुम लोगों ने मेरी प्रशंसा नहीं की. When you are beautiful, जब आप सुंदर होते हो. And someone don't give you rose or don't give you praise. और जब कोई आपको गुलाब ना दे या आपकी महिमा ना करे. Then you get angry. तब आपको गुस्सा आता है. Then you open your mouth. और ऐसे वक्त में आप आपका मुंह खोलते हो. And you say. Did you ever saw a beautiful person? और फिर आप कहते हो क्या आपने तुमने कभी कोई सुंदर व्यक्ति को देखा है? Look, he's standing in front of you. देखो वह तो तुम्हारे सामने खड़ी है. Many times we people don't see beauty in us. बहुत बार हम लोग हमारे अंदर सुंदरता नहीं देखते. People don't see beauty in us. माफ करना, बहुत बार लोग हमारे अंदर सुंदरता नहीं देखते. People don't see wisdom in us. और लोग हमारे अंदर ज्ञान नहीं देखते. People don't see blessing in us. लोग हमारे अंदर आशीर्वाद नहीं देखते. And so we try to focus ourselves. इसीलिए हम अपने आप पर हमारा ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं. We try that we People see us, so we make a sign. और हम प्रयास करने लगते हैं कि लोग हमें देखें, और इसीलिए हम अपने आप की बढ़ाई करते, अपने आप को चमकाने की कोशिश करते. Solomon King says, सुलेमान राजा कहता है, in Proverbs 27 verse 2, नीति वचन की किताब 27वां अध्याय दूसरा वचन, My brother, मेरा भाई, let another praise you, कि कोई दूसरा तेरी प्रशंसा भले करे, but With your own mouth, don't start praising yourself. परंतु तू अपने मुंह से अपने आप की प्रशंसा मत करना. Let a stranger speak about you. दूसरा कोई करे तो भले करे. But not with your own lips. लेकिन तू अपने होठों से प्रशंसा मत करना. If you are beautiful, यदि आप सुंदर हो, smile within you. तो आप अंदर ही आप मुस्कुराओ. If you are wise, यदि आप ज्ञानी हो, smile within you yourself. तो आपके अंदर अंदर ही अंदर मुस्कुराओ. And if people don't praise you, और यदि लोग आपकी प्रशंसा ना करें, don't open your mouth. तो भी अपना मुंह मत खोलो. Because when you open your mouth, क्योंकि जब आप आपका मुंह खोलते you become a foolish person. तब आप मूर्ख व्यक्ति बन जाते हो. So if you praise or you are proud, तो यदि something, तो यदि आप अपनी प्रशंसा करते हो या कोई बात के लिए अभिमान करते हो, then you at the end that proper time, very time, you became foolish before God. तो वही पल वही क्षण आप परमेश्वर के सामने मूर्ख व्यक्ति बन जाते हो. God know you are beautiful. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप सुंदर हो. God know you are rich. और परमेश्वर जानता है कि आप धनवान हो. God know you are wise. परमेश्वर जानता है कि आप ज्ञानी हो. God know you are good worker. और परमेश्वर जानता है कि आप अच्छे काम करने वाले. God know you are in authority. और परमेश्वर जानता है कि आप अधिकार में हो. God know you are your might. और परमेश्वर आपकी शक्ति को जानता है. So we should not speak. With our mouth. तो हमारे मुंह से हमें नहीं बोलना चाहिए. We should not open our mouth and praise self. हमें अपना मुंह खोलकर अपने आप की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए. So many things bring a heart of proud. तो बहुत सारी बातों से हृदय अभिमानी बन सकता है. Second thing. दूसरी बात. Luke 151, it says, those who are proud people, Lord will disturb them. On the spot. लुका का सुसमाचार पहला अध्याय 51वां वचन, प्रभु कहता है कि जो लोग अभिमानी हैं, प्रभु उनको उलझन में डाल देगा, उनको गड़बड़ी में डाल देगा. God will make them confused in their imagination. उनके विचारों में परमेश्वर उनको
उलझन में डाल देगा, तितर बितर कर देगा। If you say I am a beautiful person, यदि आप कहो कि मैं सुंदर व्यक्ति हूँ, and God will raise someone beautiful and he'll bring before you, तब परमेश्वर कोई अधिक सुंदर को खड़ा करके आपके सामने लेकर आएगा, and you will be confused who is beautiful, तब आप who is most beautiful, तब आप उलझन में पड़ जाओगे कि उत्तम सुंदर कौन है। So at the time you are proud, तो जिस पल आप अभिमान करते हो, will pull you down, उसी समय परमेश्वर आपको नीचा खींच देगा, नीचा खींच गिराएगा, he will confuse you, परमेश्वर आपको उलझन में डाल देगा, you become foolish, और आप मूर्ख बनोगे, you sin with your mouth, और आपके मुंह से आप पाप करोगे। We know Job when he opened his mouth at last, last chapter Job 42 and verse 3, he repented because he spoke that was not, he should not spoke about. He should not spoke that what he spoke. हम जानते हैं कि अय्यूब ने जो कुछ बोला वह उसे नहीं बोलना चाहिए था। ऐसी जब उसे समझ आई तो वह आगे कहता है 42वें अध्याय में 3रे वचन में, He repent. I Lord forgive me for I opened my mouth. अय्यूब ने प्रायश्चित किया और कहा कि प्रभु मुझे माफ कर दे क्योंकि मैंने मेरा मुंह खोलकर बोला। For God already said you are my righteous person. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही कहा था कि तू तो मेरा धर्मी व्यक्ति है। And his friend said you are not a righteous person. और उसके मित्रों ने उसे कहा कि तू धर्मी व्यक्ति नहीं है। And so he tried to prove himself. इसलिए अय्यूब ने अपने आप की साबिती देने का प्रयास किया। And so he said you don't know when I saw poor, I give them alms. When I saw widow, I help them. तो और अय्यूब ने कहा तुम नहीं जानते कि जब मैंने कंगालों को देखा तब उनको दान किया और जब विधवाओं को देखा तो उनको खिलाया। I have served all people. मैंने सब लोगों की सेवा की। So Job started to speak about he gave his testimony. तो अय्यूब ने अपनी कहा अपनी गवाही देने का शुरू किया। And so God said. Now you repent. इसीलिए परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि अब तू प्रायश्चित कर। So what we are, God knows. तो हम क्या हैं परमेश्वर जानता है। Paul says in second Corinthians 12 verse 5, you should praise me, Paul say, but you didn't praise me, so I have to praise myself and I did sin. दूसरा कोरिन्थी का पत्र 12वां अध्याय 5वां वचन पौलुस कहता है कि तुम्हें मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी। जब कोई कहता है कि आप सुंदर हो, then you don't speak. तो फिर आप मत बोलना। If someone say you are rich person, यदि कोई कहे कि तुम धनवान हो, you speak not. तो आप मत बोलो। If someone say you are a righteous person, यदि कोई कहे कि आप अच्छे न्यायी व्यक्ति हो, you speak not. तो आप मत बोलो। You should not speak. आपको बोलना नहीं चाहिए। Paul say, Paulus कहता है, you have to praise me. तुम्हें मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी। But you didn't. That wondered me. लेकिन आपने ऐसा किया नहीं और मुझे अचंभा नहीं दिलाया। That wondered me why you didn't saw. परंतु आपने ऐसा my wisdom. परंतु मेरा ज्ञान देखकर भी आपने मेरी प्रशंसा नहीं की, उससे मैं अचंभित हुआ। And so I sin by opening my mouth. इसीलिए मेरा मुंह खोलकर मैंने पाप किया। Ecclesiastes 5th chapter 2 and verse 5 says, when you come before Lord, you should not speak before him. सभोपदेशक की किताब उसका 5वां अध्याय 2 और 5वां वचन लिखा है कि जब तू परमेश्वर के सामने आए तो उसके सामने बोलना नहीं चाहिए। You should not speak before him. परमेश्वर के सामने तुम्हें बोलना नहीं चाहिए। Whenever we speak, we should remember God is before us. जब भी हम बोले तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे सामने है। If you know 2-3 step of dancing, यदि आप नृत्य के 2-3 स्टेप जानते हो, एंड यू शो ऑफ बिफोर द पीपल हु डोंट नो इवन डांस टू डांस, जो लोगों को नाचना आता ही नहीं है, ऐसे लोगों के सामने यदि आप दिखावा करने लगो, देन गॉड विल ब्रिंग माइकल जैक्सन बिफोर यू, तो फिर परमेश्वर आपके सामने माइकल जैक्सन को लेकर आएगा। सो दैट यू विल नो दैट आई डोंट नो, तब यू कैन नो, देन यू विल बी यू विल कम टू योर अंडरस्टैंडिंग, तब आपको आप अपनी समझ में आ जाओगे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसके सामने। इफ यू आर सिंग वेरी वेल, यदि आप अच्छे से गाते हो, इफ यू आर टीचिंग द पीपल हु इवन डोंट नो एबीसीडी ऑफ म्यूजिक,
और जो लोग संगीत की अभी सीढ़ी भी नहीं जानते ऐसे लोगों को यदि तुम सिखाओ, एंड इफ यू से सारे गम पदनिशा, और यदि आप कहो सारे गम पदनिशा, एंड इफ गॉड ब्रिंग लता मंगेशकर बिफोर यू, और यदि परमेश्वर लता मंगेशकर को आपके सामने ला दे, देन यू विल हैव टू से मैडम यू टीच, आई एम नॉट अ टीचर, तब आप फिर कहने लगोगे कि मैडम आप सिखाओ, मैं तो शिक्षक नहीं हूँ। इफ यू आर शोइंग योर मसल बिफोर पीपल, यदि आप आपके यदि आप आपकी बॉडी लोगों के सामने दिखाते हो तो you show yourself that I'm a healthy person, तब आप सबके सामने दिखाते हो कि मैं शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। But if God bring Arnold Schwarzenegger before you, लेकिन Arnold Schwarzenegger, लेकिन यदि परमेश्वर आपके सामने आर्नोल्ड को लेकर आए, then you will not able to boast, तो फिर आप अभिमान नहीं कर पाओगे। So when you speak out, तो जब भी आप बोलते हो, you become foolish before God, तब आप परमेश्वर के सामने मूर्ख बनते हो। God smile before you, और परमेश्वर आपने आपके सामने हंसने लगता है। Many time we boast, but and that time we forget God, बहुत बार हम अभिमान करते हैं और उस समय हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। As God said in Deuteronomy 4 chapter that when you should not forget me when you are being blessed, जैसे परमेश्वर ने कहा व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय में कि जब तू आशीषित हो जाए सब कुछ पा ले तब तुझे तू मुझे भूल मत जाना। So when you boast, you forget God. तो जब आप अभिमान करते हो तब आप परमेश्वर को भूल जाते हो। 2 Corinthians 10:13 says, दूसरे कोरिन्थी का पत्र 10वां अध्याय 13वां वचन कहता है, We should know what we are speaking. We must be honest what we are speaking. हम जो बोलते हैं उसमें हमें प्रामाणिक रहना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं। As Paul say, I went in Illyrica and I did this and this miracle. जैसे पौलुस ने कहा कि मैं इल्लूरिका गया और मैंने ऐसे वैसे चमत्कार वहाँ किए। And God help me. और परमेश्वर ने मेरी सहायता की। And I don't want to speak more. और उससे अधिक मैं बोलना नहीं चाहता। So Paul understood that if I speak what I didn't did, तो पौलुस को यह समझ थी कि जो मैंने नहीं किया है ऐसी बातें यदि मैं बोलूं, if I cross my limit and speak, यदि मैं मेरी सीमा को पार करके आगे जाके बोलूं, then I am speaking lie, तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूं। So when you speak proud, if you are proud in anything, then you are a liar. तो जब आप कोई भी बात में अभिमान करते हो या अभिमान से बोलते हो तो आप झूठे हो। Your mind becomes stubborn. और आपका दिमाग हठीला बन जाता है। That's written in Daniel 5th chapter 20. यह बात लिखी गई है दानियल की किताब 5वां अध्याय 20वां वचन। Proverbs 16:18 says, नीति वचन की किताब 16वां अध्याय 18वां वचन कहता है, You fall when you are pride. When pride come, you fall. जब अभिमान आता है तब तुम गिरते हो। Obadiah 1:13 says, उबादिया की किताब 1 अध्याय 13वां वचन कहता है, When you start thinking of yourself or you are trying to exalt yourself, जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हो या अपने आप को ऊंचा करने का सोचते हो, then you don't know, you are being deceived by someone. तब आपको पता नहीं रहता है कि आपको कोई ना कोई तो धोखे में डाल रहा है। Someone is talking to you and giving you praise. कोई तो आपके साथ बात कर रहा है और आपकी महिमा कर रहा है। And someone is praising you behind you. और आपके पीछे कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है। So that you come in that trap and you fall. ताकि आप उसकी जाल में आप फंस जाओ और गिरो। Bible says, the pride of life come from the world. बाइबल कहता है कि जीवन का अहंकार संसार में से आता है। So you are being cheated when you start speaking of yourself. तो जब आप अपने आप के बारे में बोलना शुरू करते हो तब आपके साथ कपट होता है। And you are trapped. और आपको जाल में फंसाया जाता है। You see reward at that time when you start you are proud. आप अभिमान करते हो उसी समय आप उसका बदला देखते हो। Jeremiah 13:17 says, यर्मिया की किताब 13वां अध्याय 17वां वचन कहता है, Because of my people they have been proud that one day God say I will cry for them for there will be no option just to destroy. क्योंकि मेरे लोग अभिमानी बन गए हैं उनके लिए एक दिन मैं रोऊंगा क्योंकि उनके विनाश के सिवा और कोई विकल्प मेरे पास नहीं बचेगा। So when you lift yourself, तो जब आप अपने आप को ऊंचा उठाते हो, And if you say I am great,
और आप ऐसा कहते हो कि मैं महान हूं, गॉड क्राई, तब परमेश्वर रोता है, बिकॉज देयर इज नो सल्वेशन, नो डिलीवरेंस, क्योंकि फिर कोई उद्धार नहीं बचता, कोई छुटकारा नहीं रहता है, गॉड स्टैंड अगेंस्ट यू, परमेश्वर आपके विरोध में खड़ा होता है, एंड जस्ट डिस्ट्रक्शन इज लेफ्ट, और केवल विनाश ही आपके लिए बचता है, सो यू आर नॉट रिवॉर्डेड विथ गुडनेस, तो आपको भलाई के कामों से आपको कोई भलाई का कोई बदला नहीं मिलता, बट बिकॉज ऑफ योर प्राइड वन डे यू आर डिस्ट्रॉयड, लेकिन आपके अभिमान की वजह से एक दिन आपका विनाश होता है। लास्ट वन थिंग, और अंतिम एक बात, प्रोब 11 वर्स 2 सेज, नीति वचन की किताब 11वां अध्याय दूसरा वचन कहता है, व्हेन यू आर बोस्टिंग ऑफ एनीथिंग, जब आप कोई बात के लिए अभिमान करते हो, रिमेंबर यू हैव टू फेस सेमनेस फॉर दैट, तो याद भी रखो कि उसके लिए आपको अपमान भी सहना पड़ेगा, वन डे यू विल फॉल बिफोर ऑल, और एक दिन सबके सामने आप गिरोगे, यू हैव टू हाइड योर फेस, और आपको आपका मुख छिपाना पड़ेगा एक दिन, यू विल लूज योर स्ट्रेंथ, आप आपके शक्ति को आप खो दोगे, यू विल लूज योर वेल्थ, आपकी संपत्ति खो दोगे, you will lose your health, आपका आरोग्य खो दोगे, you will lose your wisdom, आपका ज्ञान खो दोगे, you will lose your beauty, आपकी सुंदरता खो दोगे, you will lose your all thing that what you are boasting about today, आज इसके बारे में आप अभिमान करते हो, वह सारी बातों को आप खो दोगे, and before people you will be brought, now you can speak, God will say, now you can speak. और लोगों के सामने आपको लाया जाएगा, फिर परमेश्वर कहेगा कि अब तू बता, बोल। So never be proud. तो कभी Don't bring proud. कभी भी अभिमान मत करो, अभिमानी मत बनो। God is against the proud people. परमेश्वर अभिमानियों के विरोध में है। But God humble. God give grace to the humble. लेकिन परमेश्वर विनम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। When you are boasting, जब आप अभिमान करते हो, you lose one character. तब आप एक चरित्र को खो देते हो, and that is humbleness. और वह नम्रता का चरित्र है. Be humble every day. हर रोज नम्र बनो. Amen. Amen. Never boast for anything. Yes. कोई भी बात के लिए कभी भी अभिमान मत करो. Amen. Amen. Just close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें. Thank Jesus Christ for all His word. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसके सारे वचनों के लिए. Thank Holy Spirit for all His wisdom. और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें उसके सारे ज्ञान के लिए. थैंक यू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, फॉर सेंडिंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा भेजने के लिए, ही इज द टीचर, पवित्र आत्मा शिक्षक है, एंड ही स्टैंड विथ अस, और पवित्र आत्मा हमारे साथ खड़ा रहता है, एंड हेल्प अस एंड मेक अस नॉट फॉल, और हमारी सहाय करता है और हमें गिरने नहीं देता. यस होली स्पिरिट वी लव यू. हाँ पवित्र आत्मा हम आपसे प्रेम करते हैं. थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस विजडम. यह ज्ञान हमें देने के लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू फॉर ओपनिंग योर आईज. हमारी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद. वी स्टडीड दैट बिकॉज ऑफ ब्यूटी वी देयर कैन बी प्राउड. हमने अभ्यास किया कि सुंदरता की वजह से भी अभिमान आ सकता है. इफ वी आर इंक्रीज इन वेल्थ वी कैन बी वी By blessing we can be proud. यदि हमारी संपत्ति बढ़ जाए, आशीष से मिले, तो उसके द्वारा भी हम अभिमानी बन सकते हैं. Because of power we can be, it can bring us proud. और सामर्थ आने की वजह से भी हमारा अभिमान आ सकता है. Because of riches that can make us proud. संपत्ति की वजह से भी हम अभिमानी बन सकते हैं. Because of victorious life and achieving all things. It can bring us proud. सब पाने की वजह से और विजयवान जीवन होने की वजह से भी हमारे अंदर अभिमान आ सकता है. For good work we are doing in the world that can make us proud. और संसार में जो अच्छे काम हम कर रहे हैं वे भी हमें अभिमानी बना सकते हैं. And you have taught that we should not open our mouth. और आपने हमें सिखाया है कि हमें हमारा मुंह नहीं खोलना चाहिए. We should not praise ourselves. हमें अपने आप की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए. Let other give praise. भले ही दूसरे लोग प्रशंसा करें. But with my own mouth we should not praise. लेकिन हमारे खुद के मुंह से हमें अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए. And if we remain humble, you will grant us more grace. और यदि हम नम्र बने रहे तो आप और अधिक अनुग्रह करोगे. But when we open our mouth, we will fall. लेकिन जब हम हमारा मुंह खोलेंगे तब हम गिरेंगे. And that the very moment we are being
against you, you will stand against us. और वही पल आप हमारे विरोध में खड़े हो जाओगे. And we will have to be ashamed before the people. और लोगों के सामने हमें लज्जित होना पड़ेगा. And this because of proud, we do sin. और यह अभिमान की वजह से हम पाप करते हैं. Lord, thank you for all your grace. प्रभु आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद. I pray for each one. मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ. Let your message be delivered in each heart. आपका संदेश हर एक हृदय तक पहुंचे. Let each one receive the truth. और हर एक व्यक्ति सत्य का स्वीकार करे. And let this church be humble of humble people. और यह कलीसिया नम्र लोगों की कलीसिया बने. If they get revelation, let they share it with the people without exalting self. और यदि उनको ज्ञान प्रकाश मिलता है तो दूसरे लोगों को भी बांटे अपने आप की बड़ाई ना करते हुए. Thank you for giving us understanding. हमें समझदारी देने के लिए आपका धन्यवाद. From now onward, Lord, help us that we don't exalt ourselves. अब से प्रभु हमारी सहायता करो कि हम अपने आप को ऊंचा ना उठाए. Thank you for making us down. हमें नीचा करने के लिए आपका धन्यवाद. Thank you for giving us good nature. हमें अच्छा स्वभाव देने के लिए आपका धन्यवाद. Thank you for all blessing. सारे आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद. Thank you for beauty. सुंदरता के लिए धन्यवाद. Thank you for richness. संपत्ति के लिए धन्यवाद. Thank you for health. आरोग्य के लिए धन्यवाद. Thank you for wisdom. ज्ञान के लिए धन्यवाद. Thank you for power. सामर्थ्य के लिए धन्यवाद. Thank you for all your blessing, Lord. प्रभु आपके सारे आशीषों के लिए आपका धन्यवाद. We know you are good God. हम जानते हैं कि आप भले परमेश्वर हैं. And because of you, we are been blessed. और आपकी वजह से हम आशीषित हुए हैं. And we pray for each one. और हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं. Let each be blessed by you. कि हर एक व्यक्ति को आपकी ओर से आशीष मिले. Father bless each one. पिता हर एक को आशीष दो. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Let's continue praying what Lord taught. आइए प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई वह मिलकर करते रहें. Our Father who art in heaven. ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो. Hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए. Thy kingdom come. आपका राज्य आए. Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो. As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो. Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो. And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो. As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया. And lead us not into temptation. और हमें परीक्षा में ना ले जाओ. But deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ. For thine is kingdom. क्योंकि राज्य आपका है. Thine is power. पराक्रम आपका है. And that's glory. और महिमा आपका है. Forever Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो. Amen. Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे. Shalom. Praise God.